बालोद जिले के बल्लीराजरा पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 16 लाल मैदान स्थित एक पोल्ट्री फार्म में 3000 से भी अधिक मुर्गियों की मौत होने और उनके बिना पशु विभाग को जानकारी दिए दफनाने का बड़ा मामला सामने आया है। एक ही पोल्ट्री फार्म में हुए 3000 से अधिक मुर्गियों की मौत क्षेत्र के रहवासियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बिना पशु विभाग के संज्ञान में लाए मृत मुर्गियों को फार्म संचालक द्वारा जमीन में गड्ढा कर दफन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय मीडिया को लगी। स्थानीय मीडिया की सूचना पर पोल्ट्री फार्म में पशु विभाग, पुलिस व पालिका की टीम ने दस्तक दी और जांच के लिए जिंदा मुर्गियों के ब्लड सैंपल दिए गए। वहीं अचानक हुई मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। पशु विभाग के उप संचालक डीके सिहारे ने मुर्गियों की हुई मौत पर लैब रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहने की बात। का ये वार्ड नंबर 16 में तिवारी पोल्ट्री फार्म है, जिसमें 3700 मुर्गियां रखे थे, जिसमें से 3000 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। अब यह बर्ड फ्लू का आशंका तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक के लैब टेस्ट नहीं होगा तब तक के इसके बारे में बर्ड फ्लू है कहना यह गलत है। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं, हमारे टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसमें ये रानीखेत होने का संभावना ज़्यादा लग रहा है। ये कंटिन्यू 2 तारीख से मर रहे हैं, जिसमें पहले दिन 1560 मुर्गी मरे और कल जो है लगभग वही 1500 के आसपास और मरे। नहीं, बालोद जिला में इस तरह के मामले इस वर्ष तो अभी नहीं आए हैं। नहीं, पोल्ट्री फार्म वालों के द्वारा विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए विभाग को इसके बारे में पता नहीं था। हाँ, कार्रवाई किया जा सकता है। इसको जो मौत होती है उसको प्रॉपरली तरीके से दफनाना चाहिए और उसमें चूना का छिड़काव करना चाहिए, ताकि आसपास किसी के ऊपर संक्रमण होने से बचा जा सके। अब उनको एक्शन लेने के लिए अब देखते हैं आगे कार्रवाई। पोल्ट्री फार्म पंजीयन इनके पास होगा, क्योंकि विभाग में इसका कोई पंजीयन नहीं कराया जाता। यह NOC ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।